Hello, my very dear CMS students who are giving their examination in this December 10th, be it intermediate, even be it final, आप ग्रुप वन दे रहे हो, ग्रुप टू दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इसके अंदर मैंने अपने सारे एफर्ट्स आप लोगों के स्ट्रैटेजीज के लिए बनाए हैं, क्योंकि ये हर चीज़ आप और किसी भी टाइप के पर्सन आप रहने, तो अगर बहुत पढ़े हुए हो या बहुत कम पढ़े हुए हो, सबके साथ ये फेजेस होने वाले हैं अपकमिंग डेज में जब आप अपने एग्जाम देने वाले हो। इसलिए ये वीडियो मैं राइट टाइम पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो में वही चीज़ें जो आकाश सर एज वेल एज मैं अपने लेक्चर्स में आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ देखो आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट ऑफकोर्स अभी आपको एक रिमाइंडर की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर फॉलोइंग दिस, आपके एग्जाम वाली जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि आप पिछले इतने महीनों में कितने डेडिकेटेडली पढ़े हो, उससे ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ये एग्ज़ाम वाले दिन कैसे निकालोगे। जब आप हर दिन जाके पेपर दोगे, जब आप कम सोओगे, जब आपको डर लगेगा, जब आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जब आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करने के लिए लिख के रखी हुई है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, ताकि आई रियली वॉन्ट कि इतनी मेहनत करने के बाद उन पेपर के दिनों में आप कोई गलती ना करें और कोई रिग्रेट ना रखें। आई रियली वॉन्ट कि आपके जब पेपर्स जाए तो आपके बहुत अच्छे पेपर्स जाए, आप साइकोलॉजिकली एकेडमिकली सब ठीक से डील करके आए। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो मैं इस टाइम पर लेके आई हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहली चीज़ जो आप अभी टैकल कर रहे हो, क्योंकि मुझे आप लोगों के मैसेजेस से समझ रहा है, नेगेटिव थॉट्स। अब देखो सच बताओ तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं अपने आप भी काफ़ी बार फेस कर चुकी हूँ जब मैं एग्ज़ाम देती थी, और इतने सारे बच्चे फेस कर चुके हैं इन स्ट्रैटेजीज़ की मदद से, वो इसको ओवरकम कर पाए, अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाए, रैंक्स ला पाए, और आप भी कर सकते हो। नेगेटिव थॉट को सप्रेस करो। मैं आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो एक चीज़ होती है ग्रेटर देन बी, ए बी कोई भी दो वेरिएबल, एक ग्रेटर होता है और लेस देन होता है। नेगेटिव थॉट्स रहेंगे मन में, डर रहेंगी, एंग्जाइटी रहेगा, नर्वसनेस रहेगा, ऐसा लगेगा कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मतलब एकदम जो फीलिंग आती है ना वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं वो फील कर चुकी हूँ। हर इंसान जो प्रोफेशनल जर्नी से गया हुआ है, दोज पीपल नो दिस जर्नी। आपको उसको भगाना नहीं है, बिकॉज वो फीलिंग जाती नहीं है। आपको आपके पॉजिटिव थॉट्स शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव थॉट्स, जो ओवरकम करने की बात होगी या ओवरलैप करने की बात होंगी या डोमिनेट करने की बात होंगी। पॉजिटिव फीलिंग को डोमिनेट करने दो नेगेटिव को। अगर नेगेटिव बहुत हावी हो जाएगी ना आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आप पेशेंस लूज आउट करोगे या पैनिक करोगे या आपका डर इतना बढ़ जाएगा कि आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो वट एवर एंड हाउ एवर यू आर फीलिंग, जस्ट रिमेंबर दैट आपके पॉजिटिव थॉट्स लाइक वॉट, पेपर अच्छा जाएगा, उसी से लिंक्ड है। बहुत प्रेशर मत लो। अभी अगर आप में कुछ तो प्रेशर होगा, इतने इतने मार्क्स आने, एग्जामिनेशन लाना, रैंक, जो भी प्रेशर है, जब आपके हाथ में आपका पेपर होगा ना, इस एकदम माइंडसेट से मत देना कि हम पे बहुत ही प्रेशर है। आपको आपका बेस्ट देना है, आपका काम ये है। अगर आप बहुत प्रेशर ले लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स इम्पैक्ट करने लगेंगे। आपको खुद को कहना है, जो मूवी में होता है ना, ऑल इज वेल कहना है, पेपर अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहो, जो भी ये देखा जाएगा यहाँ तक चलेगा, पेपर बुरा ही जाएगा, हमको कुछ आएगा ही नहीं, मुझे लगता है मुझे एक अटेम्प्ट लग ही जाएगा, हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी पेपर देख के। ये थॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आप उस थॉट पे जितना इम्पोर्टेंस देंगे, उस पे जितनी बात करेंगे, उतना वो फीड करते हैं आपके ब्रेन को, उतना वो खाते हैं आपके दिमाग को, उतना वो ऑक्यूपाई करेंगे जगह। आपको उनको इग्नोर करना है। ये वो दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको ठीक से करें ना, साइकोलॉजिकली आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। अब धीरे धीरे हम एकेडमिक्स पे भी आएंगे। अब बात आएगी रिविजन की, तो मैम रिविजन के लिए क्या करें? यार रिविजन आपको बहुत इफेक्टिव रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ बहुत ओवरडू मत कर लेना कि ये चैप्टर है ना मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, अब एग्जाम के एक दिन पहले मैं इसको बहुत अच्छे से कर लेता हूँ या बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अब भी ओवरडू नहीं करना, इफेक्टिव रिविजन करो, कवरेज करो बहुत सारे चैप्टर्स का, और एक चैप्टर में इतना मत घुस जाना कि आप भूल गए कि आपके और भी टॉपिक्स हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको बहुत इफेक्टिवली टाइम यूज़ करना है। आपने हाईलाइट किए होंगे, समरी नोट्स बनाए होंगे, आपके पास समरी नोट्स होंगे, आपके पास मेरे और एसी के बहुत समरी नोट्स अवेलेबल है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा ही, जो समरी फॉर्म में है, नहीं है तो आपने खुद बनाए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, इम्पोर्टेंट सम मार्क किए होंगे। आपको अपना रिविजन बहुत इफेक्टिव रखने की ज़रूरत है। अगर आपके रिविजन में आपको ऐसे लगता है कि आपका सिलेबस बहुत कम कवर हो रहा है, उस टाइम पर आपका काम है थोड़ा स्पीड अप करने का, ऐसे
पढ़ने का, हाँ इसका ये पता है, नेक्स्ट पेज पता है पता है पता है पता है, मतलब रीड करने का, रीड करते करते आपको ऑटोमेटिकली कई बार आपको ऐसे लगेगा कि ये लाइन ना मुझे याद ही नहीं आ रही है, आ रही है, वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको फ्लिप एंड रिवाइज, मतलब रिकलेक्ट करो और फ्लिप करो, रिकलेक्ट करो और फ्लिप करो, ऐसे आपको रिविजन पे जाना पड़ेगा। एक चीज़ जो आप लोग जनरली करते हो, कितना भी मना करो करते हो, कितना भी मना करो करते हो, डिस्कशन ऑफ पेपर। मैंने आपको कहा है कि आपका पेपर जैसे भी जाता है, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि डू लेट मी नो अबाउट योर पेपर्स, बिकॉज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ट्रस्ट मी मुझे भी डर लग रहा है आप लोगों के पेपर के लिए कि आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं। डर मतलब आई हैव अ फीलिंग कि यार जो भी हो भगवान आपके पेपर्स अच्छे जाए बस, क्योंकि आप लोग मैं जानती हूँ बहुत मेहनत कर चुके हो इन दिनों के लिए। अब कोई भी रीज़न की वजह से ना, छोटे मोटे रीज़न की वजह से आपके पेपर बुरे जाए, मुझे भी सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है, जैसा भी आपका पेपर जाएगा, जो मैं मानती हूँ अच्छा जाएगा, आपको डिस्कशन नहीं करना है इसका। क्योंकि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, दथिंग करने के लिए डिस्कस कर लोगे किसी से कि किसी का अच्छा नहीं गया या आपका बुरा गया वैसा वर्षा, या मान लो किसी का ही अच्छा नहीं गया तो भी आप डिस्कस करके अपने मार्क्स रिड्यूस करना चालू करोगे। यूट्यूब पे जनरली तुरंत से सोल्यूशंस आ जाते हैं, फिर आप सोल्यूशन देखना चालू करते हो। इससे इम्पैक्ट किस पे होता है? किसी पे इम्पैक्ट नहीं होता है, खुद पे इम्पैक्ट होता है, आपके अगले पेपर पे इम्पैक्ट होता है। अच्छा जाने दो या बुरा जाने दो, पेपर का डिस्कशन करने का नहीं, दिस इज़ द थंब रूल। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ और कई बच्चे कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पेपर का डिस्कशन नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, आपको पेपर का बात करना है ना। आई एम देयर, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपके पेपर्स कैसे जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी आई एम रियली क्यूरियस फॉर दीज 3 आवर्स, कब आपका पेपर खत्म होगा, आप कब मुझे बताओगे कि पेपर कैसा गया था। सो प्लीज़ पेपर का डिस्कशन मत करो, इसके बेनिफिट्स आप अभी नहीं समझोगे लेकिन आपको बाद में पक्का समझेगा। अब आपका पेपर कैसा जाएगा, पेपर आपका हाई लो कैसा भी जा सकता है, जस्ट अ सेकंड। आपका जो पेपर है ना, हाई लो का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपका पेपर। कोई पेपर शायद बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत इजी चले जाएंगे, कोई पेपर आपके बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। अब उस टाइम पे आपको बैलेंस बना के रखना है, चल ठीक है नहीं, एक हाथ पेपर थोड़ा नीचे चला गया, इसका मतलब ये नहीं अब आगे के पेपर आप दोगे ही नहीं, हम तो क्विट कर लेते, अब तो नहीं हो पाएगा। पेपर ऊपर नीचे रहेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एंड स्ट्रेट जर्नी फॉर ऑल द 4 और 8 पेपर्स विच यू आर गिविंग, इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। आपको संयम रखना है, आपको पेशेंस रखने, और आपको अपने माइंड में ये फैक्ट फिट करना है, पेपर हाई लो होगा, इट्स ओके। कोई पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कोई पेपर ठीक ठाक जाएगा, कोई पेपर बुरा भी चला जाएगा, इट्स ओके, हम रेडी है उससे डील करने के लिए। अगर आप यहाँ से रेडी हो ना, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आने तो मुझे पता है कि आप लोग उसको क्रैक करेंगे। कैसे करेंगे, जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो मार्क्स मिलते ही, और मेरे को पता है वो आपको, उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है ना तब भी आप सॉल्व करके आएंगे, आप पेपर में उठ के नहीं आएंगे, और ये तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पेपर से उठ के नहीं आएंगे। पिछले बार ऐसे हुआ था कि आपका पेपर, एक ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आ गया था, एंड काफ़ी लोग छोड़ के आ गए थे पेपर। मैं मानती हूँ पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन आपको अपने पासिंग मार्क्स उसमें फिर भी मिलेंगे, भरोसा रखो खुद पे, नहीं है तो मुझ पे, मुझे पता है कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर आने दो, आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको उसमें पासिंग मार्क्स मिलेंगे। गिव अप नहीं करने का, सॉल्व करने का, जितना आ रहा है, जो आ रहा है, जो फॉर्मूला रिकलेक्ट हो रहा है, लिखो, सॉल्व करो। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, लिखते लिखते ऑटोमेटिकली आप लोगों को ना एक फ्लो बैठ जाता है, ऐसे होता है ना, स्कूल में होता था कई बार कि मैम आप सिर्फ स्टार्ट बता दो, हम आगे का लिख लेंगे, वही बात होती है। कई बार आपको क्लिक नहीं हो रहा है कहाँ से सॉल्व करना, कुछ तो सॉल्व करो, छोड़ के नहीं आने का पेपर, कितना भी लो पेपर आने दो, यू हैव टू प्रॉमिस मी आप पूरा 3 घंटा बैठेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, पूरा दिल जान लगा के सॉल्व करेंगे, एक बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का, आपको पेपर मतलब आप पास हो जाओगे, मैं भरोसा रखो मेरे पे। जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है ना, चेकिंग में मदद मिलती है। अब अगर आप छोड़ छोड़ के ही आओगे तो भाई मार्क्स मिलेंगे कहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ पे ही गलती मत कर देना। मेरी बात याद रखना, पेपर डिफिकल्ट आए तो मेरे लिए सॉल्व करके आना, पूरा 3 घंटा बैठ के आना, उसे बैठना नहीं, सॉल्व करके आना पेपर, राइट। उसके बाद ना आप लोगों को होगा रीडिंग टाइम, करेक्ट। ये रीडिंग टाइम को आपको ठीक से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज मतलब क्या करना है, पहले तो थ्योरी क्वेश्चन देखो आपको आ रहे क्या, क्योंकि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि थ्योरी क्वेश्चंस आप लोगों को
टाइम कवर करने में बहुत मदद करता है। तो थ्योरी क्वेश्चन देखो आप लोगों को आ रहे हैं क्या, एमसीक्यू ना ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो, सॉल्व करते बट बैठ जाओ, 15 मिनट में कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, लेकिन स्किप भी नहीं करना है कुछ रीड करना, आपको पूरा पेपर पढ़ना है और पूरा पेपर पढ़ना है। आप पीछे से चालू करो भले ही, आप पहले थ्योरी क्वेश्चन देख लो कि हाँ इजी है इजी इजी, फिर आप बाकी के क्वेश्चन देख लो, थोड़ी मार्किंग कर लो कि कौन सा आपको बहुत सिंपल जा रहा है, हाँ ये अपन तुरंत तुरंत से सॉल्व कर लेंगे। फिर आप एमसीक्यू भी देखो, एमसीक्यू में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन भले ही ऐसे रहेंगे जो विच रिक्वायर सॉल्विंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो तुरंत से आपको क्लिक हो रहे हैं, हाँ ये तो आता है आता है आता है, 3 भी आता है आ गया ना अंदर से, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए रीडिंग टाइम को सही से यूटिलाइज करो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्वायर्ड आइटम्स, उन रिक्वायर्ड आइटम्स को ढंग से पढ़ो, एक नहीं दो बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीडिंग टाइम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। उसके बाद सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, फ्रेंड्स से डिस्कशन बंद करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अभी तो मतलब इतनी अवेबिलिटी हो गई है सबकी, प्लीज़ थोड़ा सोशल मीडिया अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि आप का एक पेपर मान लो अच्छा नहीं गया, फिर सोशल मीडिया पे ऑफकोर्स चालू हो जाता है पेपर, भाई नहीं गया तो नहीं गया अच्छा, अब उस पर वीडियोज़ चालू हो जाएंगे या पोस्ट चालू हो जाएंगे या मीम चालू हो जाते हैं और होते हैं, दैट्स ओके। आपका काम है खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखना अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए हानिकारक है। अब आप लोगों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना होगा आपके एग्ज़ाम के पीरियड पूर्ता, क्योंकि कोई भी पेपर ऊपर नहीं चाहते ना, हम सिंपैथी ढूंढने लगते कि हाँ उसका भी अच्छा नहीं गया उसका भी अच्छा नहीं गया, फिर आप और लोगों से बात करते हो, स्टे अवे फ्रॉम इट, ट्रस्ट में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। एग्जाम में अगर आप पैनिक हो जाते हो, ब्लैकआउट हो जाते हो, याद नहीं आ रहा, आपको पता है मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मैं आज समझाते टाइम आपको बोलूँगी कि ये सब एक्सक्यूजेज है, अब जब आप सच में पैनिक हो जाओगे आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको सिंपैथी दूंगी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ अगर आप पैनिक हो जाते हो तो आपके पास उसको रिकलेक्ट करने का या फिर से फॉर्म में आने का एक तरीका होता है, डीप ब्रीदिंग। ट्रस्ट में मेरे साथ भी हुआ है, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे भी पेपर में एक बार हुआ है, मैं भी पैनिक हुई थी, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे भी सब काला काला दिख रहा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने डीप ब्रीदिंग की, कैसे कि पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, मैंने किया, 5 मिनट रुकी और उसके बाद जब पेपर देखा ना तो बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा आने लगा, ऐसे लगा कि चल इसको करके देखते। अब उसको जब करके देखने लगे तो ऑटोमेटिकली और दिमाग खुलने लगा, तो जब आपका दिमाग बंद हो जाता है ना, डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा पानी पियो और यू हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज़ माय चांस एंड आई हैव टू प्रूव इट। अगर आप खुद को कितना मोटिवेटेड रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट करना मोटिवेट प्लीज़। एग्जाम में जब पढ़ रहे हो तो कवरेज बेटा हर टाइप की, एक एक सम दो दो सम आपको कवर करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज छोड़ के मत जाना, आखिरी के 5-10 मिनट के लिए मत रखना, थ्योरी और पास्ट पेपर एमटीपी, इस पे मैं ऑलरेडी बहुत एम्फेसिस कर चुकी हूँ, आप लोगों के सुपर 50 में भी किया है, आप लोगों के सक्सेस बैच में भी किया है, मैराथन में भी किया है, आप लोगों के रेगुलर लेक्चर्स में भी किया है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको फिर से गाते नहीं बैठूंगी, मैंने आपको बोला है कि मैं शॉर्ट में आपको बहुत पॉइंट समझाने जा रही हूँ, तो मेरी एकदम शॉर्ट में बात समझ जाओ, एमसीक्यू थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका गेम हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, पास्ट पेपर एमटीपी करके जाओ, सक्सेस बैच के नोट्स अगर आप पढ़ चुके हो हम लोगों से, एसी ने आप लोगों के जो लिए आपको बहुत मदद करेंगे, वो भी ध्यान से सॉल्व करके जाना। एमसीक्यू अगर इजी है ना तो पहले एमसीक्यू सॉल्व करके ख़त्म करो, सॉल्व फर्स्ट, फिर देखो थ्योरी आपकी सॉल्वेबल है क्या, फिर थ्योरी सॉल्व कर लो, फिर आप प्रैक्टिकल वाले सम्स पे जाओ, ये प्रैक्टिकल पेपर पे ऑफकोर्स एप्लीकेबल है। एमसीक्यू अगर कुछ डिफिकल्ट लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं तो उसको इमीडिएटली सॉल्व मत करना, जो जो चीज़ें आपको आ रही है पहले पहले वो चीज़ें सॉल्व करना। अगर एमसीक्यू लिख के दे रहे हैं एमसीक्यू के ऊपर का क्वेश्चन कि आप इसके रीज़न एक्सप्लेन करो तो रीज़न एक्सप्लेन करो, अगर एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ आप ABCD लिखेंगे तो काम हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एफर्ट्स, ऑन योर डेडिकेशन, ऑन योर हार्ड वर्क, आपने अब तक जितना भी टाइम अपने आप को अपने पढ़ाई को दिया है, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर पेरेंट्स, ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल, एंड लास्ट बट ऑफकोर्स नॉट द लीस्ट, हैव फेथ ऑन आर ब्लेसिंग्स, मी आकाश सर एंड द होल टीम ऑफ AAC इज हियर विद यू एंड वी आर ऑलवेज विद यू। ऐसे ही नहीं कहते हैं AAC इज इक्वल टू CMA, वी कैन फील वॉट यू आर गोइंग थ्रू एंड वी आर टुगेदर इन दिस, ट्रस्ट मी। बस आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, आखिर के कुछ दिन है और यहीं पर आपके रियल पेशेंस टेस्ट होते हैं, यहाँ पर जो हिम्मत हार देता है वो ये साइकिल में अटक जाता है। कितना भी लो फील होने दो, आपको पेपर देना है, आपके अगर मतलब
कुछ भी अंदर से आने दो मन में, आपको पेपर देना है। बस मेरी बात याद रखना कि पेपर देना है, अच्छे से देना है, पूरी कोशिश करके देना है, 100% आपको आपका देना है। ट्रस्ट में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड डू लेट मी नो आप लोगों के पेपर्स कैसे जाते हैं। ईच डे इफ पॉसिबल एक टेक्स्ट ज़रूर ड्रॉप कर देना, इंस्टाग्राम पे करिए, आप व्हाट्सएप पे करिए। अगर आप पूरा ही सोशल मीडिया बंद करें, व्हाट्सएप वगैरह, तो नो प्रॉब्लम एंड नो प्रेशर ऑल्सो। बट इफ़ यू आर एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड देन डू लेट मी नो हाउ योर पेपर्स गो। कहीं पे भी चलेगा, यूट्यूब कमेंट भी चलेगा, बट आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू नो कि आपके पेपर अच्छे जा रहे बुरे जाएंगे, तो मैं हुई आप लोगों के साथ। नीड नॉट टू वरी, भरोसा रखिए अपने आप पे, हम पे और अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रेयर्स पे कि आपके पेपर अच्छे जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप स्टडिंग, डोंट लूज होप एंड गेट लिटिल अमाउंट ऑफ स्लीप ऑल्सो। एकदम पूरी पूरा ही खुद को ड्रेन करके मत जाना पेपर में, थोड़ा बैलेंस आउट रखना सबके बीच में। बाय एवरीवन, एंड यस यस यस, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल ऑफ कोर्स डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो हाउ यू फीलिंग, आके आपको ये टिप्स काम आए क्या, अगर होता है पॉसिबल तो कमेंट भी कर देना। एंड बाय एवरीवन।